गया वो लड़का। लॉकअप की ये दीवारें तो तेरे लिए नई नहीं होंगी, लेकिन हाँ मैं तेरे लिए जरूर नया हूं। देखिए मैंने तेरी फाइल, इससे पहले भी तू चार बार गिरफ्तार हो चुका है और हर बार झूठे गवाह और सबूत पेश करके छूट भी चुका है, लेकिन इस बार तो तू खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और तुझे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। रहेजा कंस्ट्रक्शन के मालिक का खून किया तूने, मर्डर। 20 साल की सजा से तो तुझे कोई बचा ही नहीं सकता। सजा तो मुझे तब दोगे ना एसीपी, जब तुम मुझे यहां रोक पाओगे। और रही बात रंगे हाथों पकड़े जाने की, हाथों का रंग छूटने में कितनी देर लगती है? नोटों की ऐसी बारिश करूंगा ना, ये कंधों पे लगे सितारे और ये वर्दी का बोझ हल्का पड़ जाएगा। हल्का बदन पे ये खाकी वर्दी और कंधों पे ये चमकते सितारे हमें देश की सुरक्षा और तुझ जैसे गुंडों को साफ करने के लिए पहनाए गए। इस वर्दी को पहनने वाला अपनी जान की बाजी लगा देने वाला जाबाज होता है, जिसे तुझ जैसा भड़वा कभी खरीद नहीं सकता। इस थप्पड़ की गूंज तुझे बहुत महंगी पड़ेगी एसीपी। इस थप्पड़ की गूंज तेरे उस बाप तक पहुंचेगी जिसकी वजह से तू इतना भौंक रहा है, इसलिए तो मारा थप्पड़। बता कहां छुपा बैठा है वो? जिस दिन वो तेरे सामने आ गया ना, तेरी ये वर्दी ढीली और पतलून गीली हो जाएगी। सोच सोच मेरे एक थप्पड़ से तू इतना तिलमिला उठा, जब मैं अपनी थर्ड डिग्री इस्तेमाल करूंगा तू तो तोते की तरह पटर पटर बोलेगा। अब मैं तेरे सारे पिछले गुनाहों की लिस्ट निकालता हूं। सोच, ठंडे दिमाग से सोच, मैं फिर आऊंगा। और हां, यहां से भागने की तो कभी भूल से भी मत सोचना, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तेरी जिंदगी में मौत की नाल ठोक दूंगा, समझा? ये कौन है जो सलीम सुल्तान